देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मैं पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे उस छोटे से स्टेशन पर उतरा, तो उस समय शाम की स्याह कालिमा धरती पर फैलने लगे थे। आकाश में काले भूरे बादल घिर चुके थे, हवा में भी सनसनाहट थी। मैं जानता था कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, मगर फिर भी चल पड़ा मैं। 4-5 दिन पहले मुझे राय चौधरी मजमूदार जी का रजिस्टर्ड पत्र मिला था। पत्र में उन्होंने मुझे तुरंत सारूपेटा आने का आग्रह किया था। एक अटैची में कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान रखकर दूसरे ही दिन मैं चल पड़ा वाराणसी से। मजमूदार बाबू मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उनका स्नेह है। सन 1950 में मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन दिनों मैं कलकत्ता में रहकर बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक विपिन सेन के साथ था। मजमूदार बाबू के कई मकान थे कलकत्ता में, इनके अलावा 2 स्टूडियो भी थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। मेरा ख्याल है कि उनके पास काफ़ी धन था और जायदाद थी। उनकी एक भांजी थी, यानी कि बहन की लड़की, नाम चारुलता। काफ़ी सुंदर और आकर्षक थी चारुलता। उम्र यही कोई 21-22 के आसपास। वैसे मैं विपिन सेन के साथ ज़रूर रहता था सहयोगी के रूप में, लेकिन इसके अलावा बंगाल के शाक तंत्रों में संबंधित साहित्य पर व्यक्तिगत रूप से खोज और शोध कार्य भी किया करता था मैं। बांग्लादेश शाक तांत्रिकों, साधकों और शुद्ध पुरुषों का अभाव नहीं था। उनकी साधना तपस्या और चमत्कारों के रहस्य की गहराई में उतरकर उनके तथ्यों का परिचय होने की लालसा मेरी कभी कम ही नहीं हुई। उन दिनों विपिन बाबू वैसे ही एक तांत्रिक योगी और चमत्कारी महापुरुष के जीवनी पर आधारित एक बंगला फिल्म बनाने की बात सोच रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता हूँ और बंगाल के तांत्रिकों, साधकों और चमत्कारी सिद्ध महात्माओं के प्रति मुझ में गहरी आस्था है, इन सबसे अतिरिक्त मैं इन तमाम विषयों में खोज और शोध भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और बंगाल के किसी तंत्र साधक की जीवनी पर कहानी लिखने के लिए कहा। एक हफ्ता के अंदर मैंने कहानी तैयार कर दी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ के चमत्कारी सिद्ध योग बाबा बामा खेपा से संबंधित वो मेरी कहानी थी। शीर्षक भी रखा था मैंने बामा खेपा, और इसी नाम की फिल्म भी बनी। विपिन बाबू जैसे चाहते थे वैसे ही कहानी। काफ़ी खुश हुए और तुरंत काम शुरू कर दिया उन्होंने। चारुलता को अभिनय का काफ़ी शौक था। कॉलेज में होने वाले बंगला नाटकों में वो हमेशा भाग लिया करते थे। मेरे अनुरोध पर विपिन बाबू ने फिल्म में मुख्य नायिका का रोल उसे दे दिया। उसके बाद भी विपिन बाबू के आग्रह पर वैसे ही 3-4 फिल्में और लिखी मैंने। उन सब पर भी विपिन बाबू ने फिल्में बनाई। परिणाम ये हुआ कि जहां एक ओर मैं मजमूदार बाबू का खास आदमी बन चुका था, वहीं दूसरी ओर चारुलता से मेरे संबंध और भी ज़्यादा मधुर हो गए। सच तो ये था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके पास रूप था, कला थी, और मेरे पास थी ख्याति। धन वैभव का भी अभाव नहीं था। मेरे पास क्या था? साहित्य और थोड़ी बहुत पूंजी। मगर चारुलता इज्जत से भली भांति परिचित थी कि उसकी सफलता का कारण भी मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझे दिल से चाहने लगी थी। लेकिन हम दोनों का संबंध ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं। अचानक विपिन बाबू की मौत हो गई और मुझे कलकत्ता छोड़कर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। चारुलता से चिट्ठी के द्वारा संपर्क बना रहा। मजमूदार बाबू भी
कभी कदार पत्र लिखा करते थे। बाद में वो चिट्ठी संबंध भी टूट गया। ऐसा लगा कि बाप बेटी दोनों मुझे भूल गए थे। दोनों में से किसी को भी सूद नहीं रही मेरी। इस घटना को पूरे 20 साल हो गए। इस बीच मुझे अचानक मजमूदार बाबू का वो रजिस्टर्ड पत्र मिला तो मैं चौंक पड़ा। पत्र से ये भी मालूम पड़ा कि कलकत्ता के दोनों स्टूडियोज बेचकर वो आसाम बंगाल के उस निर्जन प्रदेश में कोई पुरानी हवेली खरीद कर बस गए थे। जब मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो अंधेरा और गहरा हो गया था। वहाँ से सारूपेटा के लिए एक पतली पथरीली सड़क गई थी। सवारी का कोई साधन नहीं था। माहौल में घोर निस्तब्धता छाई हुई थी और छाया हुआ था गहरा अंधकार। उस चिपचिपे अंधकार में आंखें गड़ाकर किसी तरह मैं आगे बढ़ने लगा। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। किसी तरह 2 मील का निर्जन सुनसान रास्ता तय कर जब मैं सारूपेटा पहुंचा तो उस समय रात के 9 बजने वाले थे। चारों तरफ वैसा ही गहरा सन्नाटा था जैसा बीहड़ सुनसान इलाकों में पाया जाता है। वो बूंदाबांदी चलते समय जो शुरू हुई थी वो अब जोरदार बारिश में तब्दील हो चुकी थी। धरती पर उमस और जंगली जो पेड़ पौधे थे उनसे एक अजीब सी गंध आने लगे थे। बारिश से बचने के लिए मैं एक झोपड़ी नुमा दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। सोचा था बारिश थमने पर हवेली का पता लगाऊंगा। मगर तभी किसी ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और उत्फुल्ल आवाज में कहा, शर्मा हो ना? उस आवाज और स्पर्श दोनों को मैंने पहचान लिया। ये राय चौधरी मजमूदार थे। उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में थी लालटेन। अपनी अटैची जमीन पर रखकर मजमूदार बाबू से लिपट गया मैं। पूरे 20 साल के बाद हम मिले थे। कितनी ही बातें करने को हम बेताब थे मगर जब मैंने उनकी ओर देखा तो अचानक अबाक होकर देखता ही रह गया मैं। कितने बदल गए थे मजमूदार बाबू। उनका बलिष्ठ शरीर कंकाल सा हो गया था। सिर के बाल बिल्कुल झड़ गए थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। उन्हें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही मजमूदार बाबू थे जो कलकत्ता में शानो शौकत की जिंदगी बिताते थे और जिनकी गिनती कलकत्ता के रईसों में होती थी। आपकी तबीयत तो ठीक है मजमूदार बाबू? स्तब्ध होकर मैंने पूछा तो इस पर वो हंसकर बोले, पिछले साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था शर्मा जी, लेकिन अब डर और आतंक ने मेरा खून चूस लिया है। किसका डर? वही सब बदलाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। चलो हवेली में चलकर बात करते हैं। बाहर की तरह हवेली के भीतर भी अंधकार भरा था। सामने वाला कमरा काफी लंबा चौड़ा था। आंखें गड़ाकर देखने पर भी उस बड़े से कमरे में रखी बड़ी कुर्सियों और मेजों का सिर्फ आभास होता था। कीचड़ से भरे रास्ते से झोपड़ियों को पार करते पत्थर के जिस विशाल चबूतरे से होकर हम जिस कमरे में आए थे उसकी सीढ़ियां भी टूट गई थी। उनका एक एक पत्थर डगमगा रहा था। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मजमूदार बाबू बोले, तुम यहीं बैठो शर्मा, मैं अभी आया। बाहर हवा का रफ्तार बढ़ रहा था। पता नहीं कहां से हवेली के भीतर हवा घुस रहे थे। मैं एक स्पष्ट रोदन महसूस कर पा रहा था। वो एक विचित्र आवाज सुनकर कोई भी आदमी पसीना पसीना हो जाता। मैंने उनकी ओर देखना चाहा, मगर उसके पहले ही हाथ में लालटेन उठाए मजमूदार बाबू चले गए। और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। आप कहाँ गए थे मजमूदार बाबू? मैं चाय बना रहा था। चाय पीकर फिर मैंने पूछा, आप किसी डर और आतंक के बारे में बता रहे थे, कोई आपको धमकी दे रहा है क्या?
कौन है वो आदमी? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोले हैं। दरअसल मैं बहुत ही भयावह चक्कर में फंस गया हूँ शर्मा जी। इस पर मैंने चौंक कर पूछा, कैसा चक्कर? मजमूदार बाबू जरा देर चुप रहकर अस्फुट से आवाज में बोले, तुमने तंत्र मंत्र में बहुत खोज की है, शायद अशरीरी शक्तियों के बारे में कुछ पढ़ा सुना होगा। आपका मतलब है प्रेत आत्माओं से? तभी वहां पर एक तेज हवा का झोंका आया, ठंडी बरसाती हवा जैसे पूरे शरीर को सहरा कर चली गई। पानी फिर से जोर से बरसने लगा, हवा भी बहुत तेज हो गई थी। हवेली के खिड़की और दरवाजे जोर जोर से हिल रहे थे और उनसे रुदन जैसी अजीब सी आवाज निकल रही थी। पूरी हवेली में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी। मजमूदार बाबू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ प्रेत आत्माएं। पर प्रेत आत्माएं कहाँ है? मजमूदार बाबू ने बतलाया कि हवेली प्रेतग्रस्त थी, कलकत्ते के शोर शराबे से दूर। एकांतवास के लिए उन्होंने वो हवेली सिर्फ 20,000 रुपये देकर खरीद ली। हवेली में 40 कमरे और 16 बारांदियाँ थी। बीच में एक काफ़ी लंबा चौड़ा तहखाना था जो ना जाने कब से बंद पड़ा था। मजमूदार बाबू की सारी बातें सुन मैंने पूछा, इस हवेली का सौदा जब आप कर रहे थे तब आपने इसके मालिक से इस बारे में दरख्वास्त नहीं की? मैंने पूछा नहीं, बस यही गलती हो गई मुझसे। और फिर बोले, वास्तव में देखो शर्मा, सच बताऊंगा, मिट्टी के दाम पर मिल रही थी इतनी बड़ी हवेली, इसलिए लालच में आ गया था मैं और मैंने खरीद लिया। अच्छा, कौन था इस हवेली का मालिक? पता नहीं, चूड़ामणि सान्याल बोलकर कोई आदमी था, अब वो यहाँ है ही नहीं। पता नहीं, अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं चला गया। अभी हम लोग वहाँ पर बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी उस हवेली की सारी चीज़ें अपने आप ही हिलने लगी। पास ही में पड़ा टी टेबल अपने आप ही उठकर दूसरी जगह पर जाने लगा। तभी मजमूदार बाबू ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि मजमूदार बाबू किस बारे में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा घबराने लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पर तभी मजमूदार बाबू ने मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही मुझे, बस ये हमारे साथ इस हवेली में रहती है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे साथ अब प्रेत आत्माएं भी इस हवेली में रहेगी, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिसके बाद मैं वहाँ बस उसी रात रुका। उसके बाद मैं अगली सुबह वापस दिल्ली आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 3 बज रहे थे जब राकेश अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर दूर दूर तक राकेश के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राकेश जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े जा रहा था। बरसात का मौसम था, थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर बंद हुई थी, इसलिए रास्ते पर जगह जगह पर कीचड़ फैला हुआ था और इसी वजह से राकेश को आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, यह आज पहली बार था जब राकेश इस समय ड्यूटी से लौट रहा था, वरना राकेश की ड्यूटी का शिफ्ट अलग होता है, मगर आज ऑफिस में लोग कम थे इसलिए उसे ये शिफ्ट करनी पड़ी। खैर, राकेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता थोड़ा सुनसान तो था ही, साथ ही जंगलों से भी घिरा हुआ था। हालांकि जंगल ज़्यादा घने नहीं थे, बस थोड़ी मोड़ी झाड़ियाँ थी और कोई भी दुकान
या फिर कोई घर आसपास नहीं था। अभी राकेश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस पुराने कब्रिस्तान के पास आकर राकेश के कदम एकदम से रुक गए। राकेश को वो बात याद आ गई जो उसके दोस्त ने आज उसे बताए थे। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में आत्माएं भटकती है। राकेश ने सोचा कि थोड़ा ठहर कर एक नज़र मार लिया जाए, क्या पता कोई आत्मा दिख ही जाए। राकेश भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। विश्वास तो क्या, वो इन चीज़ों का मजाक उड़ाता फिरता है। खैर, राकेश वहाँ रुक कर कब्रिस्तान को चारों तरफ से देखने लगा। उस पुराने से टूटे फूटे कब्रिस्तान में दरवाज़ा तो था मगर वो भी आधा टूटा हुआ और जंग लगा हुआ, एक हाथ में आसानी से टूट जाएगा। और कब्रें थोड़ी बहुत ही दिखाई पड़ रही थी, ज़्यादातर कब्रें नीचे धस चुकी थी। राकेश वहाँ खड़े खड़े अभी उस कब्रिस्तान में नज़र मार ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चीज़ पर जाकर अटक गई। वो एकदम से उस चीज़ पर जैसे अटक सा गया। उसने देखा कि एक कब्र के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है और उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए राकेश उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही राकेश ने थोड़ा करीब जाकर देखा कि वो औरत एकदम से हलचल में आ गई। राकेश थोड़ा घबराया, पर क्योंकि वो इन बातों को मानता नहीं था तो वो थोड़ा आश्चर्य भी था कि आखिर एक अकेली औरत इस कब्रिस्तान में कर क्या रही है। वो ये सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि उस औरत को आवाज़ लगाए। यही सोचते हुए उसने उसे आवाज़ दी। हेलो हेलो, कौन है आप और कब्रिस्तान में क्या कर रही हैं इतनी रात को? मगर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश वापस से आवाज़ लगाया मगर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी राकेश आवाज़ लगा ही रहा था कि एकदम से वो औरत हवा की रफ्तार से भागती हुई बिल्कुल राकेश के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा देख राकेश के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर पूरे कीड़े रेंग रहे थे और उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। राकेश समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। राकेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और गिरता पड़ता भागता हुआ सीधे अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद से उसे यकीन हो गया कि वो कब्रिस्तान सच में भूतिया है और भूत प्रेत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।